से पूछा रहे हमारा। सोना और सोना और खूब सारा रेस्ट करना, लेकिन वन थिंग दैट रियली मेक्स मी हैप्पी एंड यू नो मेक्स मी फील रिजुविनेटेड इज कुकिंग। आई लव कुकिंग एंड देन ईटिंग इट। फेवरेट प्लेसेस टू विजिट, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। मैं बीचेस बहुत पसंद नहीं करती हूँ, तो पहाड़ों पे कहीं भी ले जाओ मुझे, स्विट्जरलैंड की वादियों से लेके शिमला तक कहीं भी ले जाओ। अपनी फैमिली, बड़ी गहरी बकेट है मेरी और बड़ी लंबी सी बकेट लिस्ट है। एक चीज़ है जो मतलब जब बकेट लिस्ट नहीं भी बनी थी और तब भी पूरी हो गई थी, वो ये थी कि यू नो जब हम आर्टिस्ट बनते हैं, बनना मतलब प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो वेम्बली अरीना एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर आर्टिस्ट परफॉर्म करना चाहता है, अपना कॉन्सर्ट करना चाहता है। 9 साल की उम्र में लिटिल वंडर्स का हिस्सा बन के मैंने वेम्बली अरीना में परफॉर्म किया था। हम अलग अलग जगह जाके परफॉर्म करते थे एंड वेम्बली अरीना वाज वन ऑफ देम। मुझे जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है, अंधेरा, अकेला रहना, वो भी अंधेरे में। झूठ, डिसऑनेस्टी, या म्यूजिक, देसी, कूल बट ओल्ड स्कूल। हो, क्रिएटिविटी इज अ वे ऑफ लाइफ फॉर मी। आई थिंक इफ यू डोंट क्रिएट देन यू आर नॉट ह्यूमन इनफ। अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, बी इट लाइफ, you know, if you're a mother, you've created life in a child. If you're an artist, you've created a painting, a piece of music. So there's no better joy than creativity. All-time favorite singers, rather, Asha ji, Lata ji, Rafi sahab, Kishore da, Manna de ji, inko to sabko sunke hum bade hi hue hain. And Nusrat sahab, Jagjeet ji, Farida khanum, the list is endless. Ghulam Ali sahab, Mehdi Hasan sahab, so it's just a long list. Something that I can listen to any time and every time is Jagjeet ji ki koi bhi aap endless album laga do, main sunti jaungi. Favorite thing to eat is anything that my father cooks. I think he is the most brilliant, most innovative chef, home chef on the planet. फ्रिज में कुछ भी बढ़ाओ, वो उससे बना देंगे कुछ बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब बोलना ही गुस्साखी होगा, बट काश नुसरत साहब के साथ कुछ हो पाता, उनका कॉन्सर्ट ही लाइव अटेंड कर लेती तो बहुत बड़ी बात होती। मेरा जो एक्चुअल निकनेम है ना, वो ही मुझे बहुत फनी लगता है, पर अब इतने साल हो गए हैं तो इट जस्ट फील्स वेरी एंडियरिंग व्हेन एनीबॉडी कॉल्स मी विद दैट नेम। तो मैं बचपन में बहुत ही फसी बच्चा थी, मैं बहुत ड्रामा करती थी खाने वाने में, तो हर चीज़ के लिए नो, हर चीज़ के लिए ना। तो मेरे पापा ने मेरा नाम नोना रख दिया। अभी उसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स हो गए, नोना, नोनू, नोनी। सो व्हेन आई गॉट मैरिड टू माय देन बॉयफ्रेंड नाउ हस्बैंड, तो जब से हम मिले थे, ही इज़ द ओनली अदर पर्सन अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली हु हैज़ द गट्स टू कॉल मी दैट इन पब्लिक ऑल्सो। मैंने एक बार एक कैप्शन भी डाली थी एंड आई थिंक दैट इज़ ट्रूली व्हाट आई बिलीव इन। मेरी लाइफ अगर गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल ग्रैटिट्यूड का डलता है, तो एनीथिंग दैट गोज़ विद दैट वाइब। आई थिंक एक तो बहुत ही प्यारा, दो बहुत प्यारे सरप्राइज मुझे IPML में ही मिले। वैन सेम घर में रहते हुए मुझे पता नहीं चला दैट चिराग और ऑडियो आज एपिसोड पर आने वाले हैं, तो मैं मतलब पहले उन्हें स्क्रीन पे देखा, फिर उनको एक्चुअली आते हुए देख के, करण जी का ऑडियो नहीं आ रहा है, मैं बोले ऑडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो आ गया। सो आई थिंक वो बड़ा ही प्यारा सरप्राइज़ था, बट देयर वाज अनदर वेरी वेरी स्पेशल सरप्राइज दैट चिराग हैड गिवन मी व्हेन दिस वाज ऑन द ईव ऑफ माय बर्थडे एंड ही दैट्स व्हेन ही आस्क्ड मी आउट फॉर मैरिज
एंड प्रपोज टू मी, गिव मी अ प्रॉमिस रिंग. एंड उसने खुद एक गाना रिकॉर्ड किया था, एक मैशअप, और डीजे ने पीछे से वो प्ले किया और हम उस पर डांस कर रहे थे. एंड सडनली ही वेंट डाउन ऑन वन नी एंड प्रपोज टू मी. सो आई थिंक दैट वॉज सुपर स्पेशल.